जय जवान जय किसान। गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा जेवर टोल टैक्स पे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली जेवर टोल टैक्स ऑफिस में जाकर ज्ञापन सौंपा। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 24 अगस्त 2024 को भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया की टीम ने जेवर टोल टैक्स पर जाकर एक प्रदर्शन कर विरोध जताया, जिसमें उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। इसी के साथ जो बस चालकों को असुविधा हो रही थी, टोल टैक्स पर उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने टोल टैक्स कर्मियों को जागरूक कराया और कहा, अगर किसान के साथ इस तरीके से व्यवहार होगा तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष आबिद अली एडवोकेट के नेतृत्व में किया गया, जिसमें उपस्थित हापुड़ जिला के अध्यक्ष डॉक्टर अबरार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री नसीम अहमद, हापुड़ जिला उपाध्यक्ष नसीम अहमद, मेरठ जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह, हापुड़ जिला महिला अध्यक्ष सहनाज जी, प्रदेश अध्यक्ष बबलू यादव, प्रदेश प्रभारी साबिर चौधरी, एडवोकेट मीडिया प्रभारी इमरान चौधरी, मेरठ जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह, मेरठ जिला उपाध्यक्ष हरिओम सिंह व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन का सबसे अहम मुद्दा था कि जेवर टोल टैक्स पर पूर्व समय से किसानों के साथ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इसके विरुद्ध में भारतीय किसान ऑल इंडिया यूनियन ने यह धरना प्रदर्शन किया। इस पूरी घटना पर जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया टीम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शेखू ने इस घटना पे घोर निंदा किया। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आबिद अली जी, आपका यहाँ कैसा आना हुआ? आज भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल जी जेवर टोल मैनेजर से मिलने आया है जी। हमारी मुख्य मांगे हैं कि आए दिन जो है एक्सीडेंट होते हैं, लोग मृत्यु भी हो जाती है, घायल भी हो जाते हैं, उनको फौरी तौर पर हाईवे की तरफ से जिसके साथ घटना होती है उसके परिवार वालों को कुछ इलाज हेतु, या मृतक हो जाती है तो मृतक के आश्रितों को कुछ पैसा दिया जाए जिससे उनका इलाज हो जाए, उनका अंतिम संस्कार हो, उनके बच्चों का भरण पोषण हो। और स्थानीय लोगों के साथ जो टोल टैक्स की वसूली हो रही है उसके खिलाफ भी हम मांग पत्र देने आए हैं कि आखिर स्थानीय लोगों की जमीन गई है, जमीन माँ होती है इंसान की, जिसने अपनी जमीन टोल में दे दी, अपनी माँ टोल में दे दी, उसके बाद ही उससे पैसा वसूलते हैं। इन मांगों के लिए हम एक सप्ताह का समय इनको देके गए हैं। एक सप्ताह के अंदर हमारी मांग नहीं मानी गई तो एक सप्ताह के बाद बहुत विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आबिद अली जी।